हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक संबल के शहजादी सराय गांव में। यहां कई विकास कार्य हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं इस गांव में बाकी हैं। आगे की जानकारी हम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान के पास। प्रधान जी, यहां 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग बीतने को हैं पूरे जी। क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में लगभग करवा दिए हैं? विकास कार्य ग्राम पंचायत शहजादी सराय में 3 स्कूल हैं, एक तो गाँव में स्थित है, 2 ब्लॉक के पास में स्थित है। तीनों स्कूलों में, गांव के स्कूल में सीसी टाइल्स बिछवाई, शौचालयों की मरम्मत कराई, और जो ब्लॉक के पास में 2 स्कूल हैं उनमें भी पूरे प्रांगण में सीसी टाइल्स बिछवाई और जो बाउंड्री वॉल कराया शौचालयों का। गांव में सड़कों में कितना सीसी कार्य आपने करवा दिए हैं? तो जितने भी कार्य मैंने अपने इन 4 साल के कार्यकाल में सब सीसी टाइल्स ही बिछवाई है, सभी सड़कों पर, जितनी भी सड़कों पर। मीटर, आपने मीटर तो मैं पूरा माप तो नहीं बता सकता, फिर भी कई सारी सड़कें जो हैं, जो भी पैसा सरकार से मिला है मैंने अधिकांश रूप से सब सीसी टेस्ट। सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ कितने लोग ले पाए हैं, जैसे कि उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो मुफ्त में ये सरकार ने लगवाए हैं लोगों को? काफी लोगों को भरपूर लाभ मिला है, जैसे उज्ज्वला योजना के लिए भी लगभग कोई व्यक्ति बचा नहीं है, एक तो बच गए होंगे अलग बात है, नहीं तो अधिकांश रूप से सभी ने उसका लाभ उठाया है। या सौभाग्य योजना, बिजली के जो कनेक्शन है वो भी मैंने लोगों से कह कह के सभी के घर लगभग लगवा दिए हैं, 2-4 के लिए नहीं कह सकता, छूट गए। बाकी अधिकांश पेंशन वगैरह यहाँ मिल रही है लोगों को? पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, पेंशन के लिए मैंने कई बार अप्लाई कराया है लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत रही है, पता नहीं क्या वजह है। यहाँ आयुष्मान कार्ड बने हैं? आयुष्मान कार्ड मात्र 2011 के सर्वे में 7-8 लोगों के नाम। राशन कार्ड वगैरह ये सब लोगों के? हाँ, राशन कार्ड तो लगभग इस टाइम मेरे यहाँ 620 के करीब चालू। यहाँ राशन को लेकर यहाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं, राशन का वितरण बड़े अच्छे ढंग से पहले से होता आया है, अब तो बाकी मशीन के द्वारा हो रहा है, तो किसी तरीके का कोई भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये हैं आपकी ग्राम पंचायत? नहीं नहीं, मेरी ग्राम पंचायत में पहले कोई ना ही पंचायत घर है ना ही कोई बारात घर है। खेल का मैदान भी नहीं? खेल का मैदान भी नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र को मैंने शुरू में बोल रखा था, तो उसके लिए मटेरियल आ गया है, उसकी बनने की तैयारी। शमशान घाट कब्रिस्तान वगैरह? शमशान घाट में भी मेरी ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हो पाया अभी। बाउंड्री वगैरह नहीं हो रखी है? नहीं नहीं, बाउंड्री हो रखी है, बस ग्राम वासियों के योगदान के द्वारा ही इसमें जो भी काम हुआ है। ग्रामवासियों ने अपने स्तर पर कराया, सरकार द्वारा यहां सरकार द्वारा जो है नहीं हो पाया। सफाई यहां पर कैसे है? सफाई कर्मी आते हैं यहां समय पर? सफाई कर्मी समय से आता है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं है, जितनी बड़ी ग्राम पंचायत है मात्र 1 सफाई कर्मचारी है, वो भी वो इतने ढंग से सफाई नहीं। ग्राम पंचायत में इस टाइम तो लगभग 2000 के आसपास वोटर। कितने सफाई कर्मचारी? 1 सफाई कर्मचारी। अब यहाँ अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकास करने के लिए क्या मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से तो मेरी बहुत सारी मांगे हैं, सबसे मेन बात तो आज के टाइम में बीमारी का प्रकोप अधिकांश रूप से बहुत ज्यादा रहता है। ODF तो हो गया होगा? हाँ, ODF तो हो चुका है लेकिन उसके उपरांत भी आज के युग के हिसाब से एक छोटा मोटा केंद्र, उसका स्वास्थ्य केंद्र हो जिससे के सरकारी डॉक्टर बैठे। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल तो लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है? ना ना, ग्राम पंचायत शहजादी सराय में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है ये है, शिक्षा का अभाव गाँव में कम तो था ही, और थोड़ा ये रोड पे, ऑन रोड पे स्कूल होने के नाते बच्चे वहाँ पे कम पहुँच पाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरी ग्राम पंचायत में कुछ भूमि थी, अगर स्कूल यहाँ एडजस्ट हो जाए गांव में तो ज़्यादा बेहतर रहता, और जो गांव में स्कूल है भी उसकी बिल्डिंग काफ़ी 4-5 फीट गहरी है, मैंने पहले बता भी रखा है लेकिन उस पर कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, और जहाँ स्कूल है बच्चों को खेलने का तो फील्ड बिल्कुल नहीं है, जो गाँव में स्कूल है, जो मेरे गांव में जगह पड़ी हुई है, अगर वहाँ स्कूल की बिल्डिंग अगर तैयार हो जाए तो बच्चों के लिए बहुत। ग्राम सभा की जमीन आपके गांव के अंदर में है? हाँ, गांव की साइड में ही है। वहाँ पर आप चाहते हैं कि स्कूल वहाँ? हाँ, स्कूल वहाँ से हटकर वहाँ उधर एडजस्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव में ऐसी है मुख्य समस्या जिसके लिए आप चाहेंगे? समस्याएं तो कई सारी हैं, जैसे आज के समय में मैंने बताया नहीं, अब जैसे सड़कों में लोगों ने तमाम समरसेबिल करा रखे हैं, एक टंकी की व्यवस्था हो जाती तो पूरे गांव में ओवर टैंक चाहते हैं जिससे कि सब में लाइन बिछ जाती है, पानी का भी
निस्तारण ढंग से ही होता, अब तो जगह जगह लोगों ने समस्या करा रखी है, ज्यादा पानी की बर्बादी हो रही है। यहाँ पर जल भराव की तो कोई समस्या नहीं होती है? नहीं, ग्राम पंचायत में जल भराव की कोई समस्या नहीं है, इसके लिए तो सरकार, जो मोदी सरकार कैसा कार्य कर रही है, क्या लग रहा है आपको इस सरकार में? इस सरकार के कार्य तो बहुत दुरुस्त और बहुत बढ़िया है, कोई कार्यों में मोदी सरकार से संतुष्ट है। जैसा कि आपने देखा, हमने प्रधान से यहाँ बातचीत की है, यहाँ गांव की समस्याओं के बारे में हमने जाना है। काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है, जैसे कि सीसी निर्माण, सीसी सड़कें और लोगों को, ये गांव ओडीएफ भी पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ इस गांव की हालत काफी हद तक खराब है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्रधान ने जो हमें बताई है वो स्कूल को लेकर है, स्कूल ऑन रोड है, जबकि ग्राम सभा की जमीन गाँव के अंदर भी मौजूद है। उनका कहना है कि यदि वो स्कूल वहाँ से हटाकर गाँव के अंदर में सरकार बनवा देती है, निर्माण करवाती है, तो उसमें बच्चों का भी फायदा है और बच्चों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है रोड पर जाने के लिए। उसके अलावा जो मुख्य समस्या इन्होंने यहाँ बताई है, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बताई गई है, जैसा कि सभी जानते हैं कि बीमारी का प्रकोप किस कदर फैला हुआ है, डेंगू और कई तरह की खतरनाक बीमारियाँ हैं, उसके लिए लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है और बहुत ही समस्या उनके सामने आती है। तो एक स्वास्थ्य केंद्र की भी वो मांग करना चाहते हैं कि इनकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र हो, बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट को लेकर भी वो अपने ग्राम पंचायत में मांग रखते हैं। मैं भी सरकार से उम्मीद करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मोदी सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, मैं नाजरीन को देख रही हूँ।